लेकर सवाल उठ रहे हैं। लगातार बांग्लादेश से भी मांग उठ रही है कि उन्हें वापस भेजा जाए, लेकिन शेख हसीना बीते करीब 50 सालों से भारत की सबसे भरोसेमंद और वफादार मित्रों में से एक है। ऐसे में माना जा सकता है कि भारत उनको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने या सजा भुगतने के लिए बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा। लेकिन अगर उस शख्स पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, तो उसका प्रत्यर्पण नहीं रोका जा सकता। चूंकि शेख हसीना पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इन्हें आधार बनाकर बांग्लादेश की सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 से प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन जानकारों का मानना है कि हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मामला दर्ज होने के बावजूद दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उनको वापस भेजने की संभावना ना के बराबर है। उन पर 76 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 63 मामले सिर्फ हत्या से जुड़े हैं। सामने क्रम 28 जनवरी 2013 को बांग्लादेश का एक हाई लेवल वफ्द भारत का दौरा करता है। उस वक्त शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी बांग्लादेश में, और उसने अपने तमाम ही ओपोनेंट्स जो उसकी मुखालफत करते थे उन्हें रास्ते से हटा दिया था। कई लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लिए हुए थे, जबकि कुछ भारत में भी मौजूद थे। तो फिर शेख हसीना वाजिद के उस वफ्द ने आकर भारत की हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया, और उस मुआहदे में ये तहरीर किया गया कि बांग्लादेश या भारत के जो भी मुजरमीन जब इन दो ममालिक में जाकर पनाह लेंगे या जब फरार होकर वहां जाएंगे, बाकायदा भगोड़े का लफ्ज उसमें डाला गया कि कोई भगोड़ा जब दूसरे मुल्क जाएगा तो उस मुल्क की ये जिम्मेदारी होगी इस एग्रीमेंट के मुताबिक कि वो उसे दूसरे मुल्क यानी उसके अपोनेंट को यानी कि जिसके साथ मुआहदा हो रहा है उसे फराहम करे, उसे वापस करे। फिर उसके बाद पे दर पे कई ऐसे वाकयात हुए। बांग्लादेश के कई सियासी रहनुमा जब भारत में फरार होकर गए क्योंकि शेख हसीना वाजिद की रिजीम में बहुत ज्यादा मुजालिम होते थे, तो फिर भारत उन्हें फौरन उस मुआहदे के तहत बांग्लादेश के हवाले करता था, और एक फांसियों का ना रुकने वाला सिलसिला बांग्लादेश में शुरू हुआ, जिसमें सियासी मुखालिफिन को चुन चुनकर खत्म किया गया। 2016 में एक बार फिर इस मुआहदे में तरमीम की गई और ये कहा गया कि अगर कोई भी शख्स भारत में बांग्लादेश की तरफ से पनाह लेगा या बांग्लादेश में भारत की तरफ से पनाह लेगा तो फिर उसके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा दर्ज हो। किसी अदालत के ऑर्डर की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना हो कि उसके खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज है जिसमें मर्डर और किडनैपिंग वगैरह शामिल थे तो फौरी तौर पर दूसरा मुल्क उसे सौंप देगा बगैर किसी अदालत के वारंट के। इसके बाद भी एक मुजालिम का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ, और अब यही फैसला भारत के गले की हड्डी बन चुका है, जिसमें शेख हसीना वाजिद चूंकि अब भारत में मौजूद हैं और बांग्लादेश में उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें किडनैपिंग भी है, उसमें मर्डर भी है, और ऐसे कई मुकदमात हैं कि शेख हसीना वाजिद अब बचने की जितने भी कोशिश करे वो उससे बच नहीं पा रही। इसलिए बांग्लादेश की तरफ से उसी 2013 और 16 के मुआहदों का हवाला देते हुए भारत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सबसे पहले तो तुम शेख हसीना वाजिद को हमें वापस सौंपो, क्योंकि हमारा तुम्हारे साथ 2013 और 2016 में ये मुआहदा था और उसके तहत तुम ऐसे कई मुजरिमीन हमसे वापस लेते भी रहे और हमारे हमें वापस करते भी रहे। इसलिए अब भारतीय परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें। अगर ये मुआहदा तोड़ते हैं तो बांग्लादेश आलमी अदालत भी जा सकता है, साथ ही साथ इन दोनों के ताल्लुकात आपस में बुरे तरीके से खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश का जो सबसे प्राइम मुतालबा है भारत से कि इसने हमारे कई लोगों का कत्ल किया है, तुम सबसे पहले शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करो, फिर हम सोचेंगे कि तुम्हारे साथ हमने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात किस तरह के रखना है। बांग्लादेश के अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर शेख हसीना वाजिद किसी यूरोपीय मुल्क जाती फिर तो अलग बात थी, फौरी वो उड़ान भरती है और सीधा भारत पहुंचती है, और भारत में अजीत डोवल जैसा नरेंद्र मोदी का राइट हैंड जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एक सबसे बड़ी पोस्ट पर सिक्योरिटी की मौजूद है, वो सबसे पहले आकर उसी एयरबेस पर मिलता है शेख हसीना वाजिद को। वहां पर उनकी मीटिंग होती है और 25 दिन हो चुके हैं शेख हसीना वाजिद को भारत ने पनाह दे रखी है, इसलिए बांग्लादेशियों का गुस्सा भी जायज है। और अब भारत के अंदर से ये मुतालबात भी उठना शुरू हो चुके हैं कि सबसे पहला काम तो ये करो कि शेख हसीना वाजिद को वापस सौंपो, ताकि हमारे बांग्लादेश के साथ जो देरीना ताल्लुकात हैं, एक लंबे अरसे से ताल्लुकात हैं, वो किसी एक शख्सियत की वजह से खराब ना हो। अब भारतीयों ने क्या फैसला करना है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस सारे मामले पर खासकर इस मुआहदे और बांग्लादेश की तरफ से किए जाने वाले मुतालबात पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। लेकर सवाल उठ रहे हैं, लगातार बांग्लादेश से भी मांग उठ रही है कि उन्हें वापस भेजा जाए, लेकिन शेख हसीना बीते करीब 50 सालों से भारत की सबसे भरोसेमंद और वफादार मित्रों में से एक है। ऐसे में माना जा सकता है कि भारत उनको न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने या सजा भुगतने के लिए बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा।
भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 से प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन जानकारों का मानना है कि हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मामला दर्ज होने के बावजूद दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उनको वापस भेजने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन अगर बांग्लादेश सरकार की ओर से हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है तो भारत क्या करेगा? हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, अगर प्रत्यर्पण की बात करें तो वो पूरी तरह से काल्पनिक यानी हाइपोथेटिकल सवाल है। ऐसे हालात में किसी काल्पनिक सवाल का जवाब देने की परंपरा नहीं है। हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि देर सवेर ढाका से इस तरह का अनुरोध आ सकता है। बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार एम तौहीद ने बीते हफ्ते न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि गृह और विधि मंत्रालय शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर यह फैसला करेगा कि भारत से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाएगा या नहीं। वैसी स्थिति में दोनों देशों के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते के तहत उनको बांग्लादेश को सौंपना जरूरी होगा। लेकिन हकीकत यह है कि ढाका भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि उस समझौते के तहत प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बावजूद शेख हसीना को वापस लाना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस समझौते में कई ऐसी शर्तें या प्रावधान हैं जिनके सहारे भारत उनके प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। कानूनी जटिलताओं और दांव पेच के सहारे भी लंबे वक्त तक प्रत्यर्पण को लंबित रखा जा सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आए 25 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में कुछ सवाल हर किसी के जहन में है, मसलन ये कि शेख हसीना कब तक भारत में रुकेंगी? क्या 1975 की तरह भारत उन्हें लंबे समय तक शरण देगा? अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच साल 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन तो नहीं होगा? शेख हसीना के भारत में रुकने से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में तल्खी तो नहीं आएगी? 13 अगस्त को शेख हसीना पर हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ। इसके बाद उन पर 76 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 63 मामले सिर्फ हत्या से जुड़े हैं। 22 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और उनके परिवार के लोगों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए, जिसके चलते अब उनके भारत में रहने का समय सीमित हो गया है। भारत की वीजा पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी बांग्लादेशी नागरिक के पास भारतीय वीजा नहीं है तो वो सिर्फ 45 दिन तक ही यहाँ रह सकता है। शेख हसीना को भारत आए 25 दिन बीत चुके हैं, ऐसे में कानूनी तौर पर वो सिर्फ 20 दिन और भारत में रह सकती हैं। पासपोर्ट कैंसिल होने की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित किया जा सकता है। हसीना को नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए बांग्लादेश की 2 जांच एजेंसियों से क्लियरेंस चाहिए, जो कि मिलनी मुश्किल है। 29 अगस्त को शेख हसीना और उनके करीबियों को दी गई विशेष सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि अगर बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की तो भारत क्या जवाब देगा? साल 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पनाह ले रहे भगौड़ों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी शख्स के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस शख्स पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं तो उसका प्रत्यर्पण नहीं रोका जा सकता। चूंकि शेख हसीना पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इन्हें आधार बनाकर बांग्लादेश की सरकार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। साल 2016 में इस प्रत्यर्पण समझौते में संशोधन हुआ था। इस संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की जरूरत भी नहीं है, केवल कोर्ट से जारी वारंट ही काफी है।